अभी मैं आपको ये डिज़ाइन बुन करके बताऊंगी जो 12 रो का बहुत ही आसान और सुंदर डिज़ाइन है। और इसे बनाने के लिए आपको फंदे रखने होंगे 15 + 8 के मल्टीपल में। और आप इस डिज़ाइन से बच्चों के स्वेटर, फ्रॉक, कार्डिगन या सिर्फ बॉर्डर में भी इस डिज़ाइन को आप डाल सकते हैं। तो अब हम इसे बुनना शुरू करते हैं। और यहाँ मेरे पास टोटल 23 फंदे हैं, जिसमें से शुरुआत के 2 फंदे और लास्ट के 2 फंदे साइड स्टिच हैं, और बीच के 19 फंदे पर ही ये डिज़ाइन बनेगा। तो अब हम सीधे साइड से रो 1 को बुनना स्टार्ट करते हैं। रो 1 में शुरुआत के 2 फंदे को हम सीधे बुनेंगे, 1 और 2। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट फंदे से रिपीट स्टार्ट करेंगे। सेकेंड वाले फंदे को आगे की तरफ से पहले हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद पहले वाले फंदे को अब हम आगे की तरफ से ही सीधा बुन लेंगे। और अब हम पीछे की तरफ से सेकेंड वाले फंदे को पहले सीधा बुनेंगे और पहले वाले फंदे को हम आगे की तरफ से सीधा बुनेंगे। और इस 4 फंदे पे जिगजैग वाला डिज़ाइन बनेगा, उसके बाद ऊन आगे की तरफ। और अब हम 5 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 ऊन पीछे की तरफ। और अब हम पीछे की तरफ से इस एक फंदे से 15 फंदे बुनेंगे, 1 ऊन आगे की तरफ, यानी एक साथ हम 2-2 फंदे करके बुनेंगे, और 3, उसके बाद 5, 7, 9, 11, 13 और 15 ऊन आगे की तरफ। 5 फंदे अगेन उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 ऊन पीछे की तरफ। सेकेंड वाले फंदे को हम पहले बुनेंगे। अब हम पहले वाले फंदे को आगे की तरफ से ही सीधा बुन लेंगे, और सेकेंड वाले फंदे को हम पीछे की तरफ से सीधा बुनेंगे, उसके बाद आगे की तरफ से सीधा बुनेंगे। और अब हम रो 1 के एंड में आ चुके हैं। लास्ट बचे हुए इस 2 फंदे को हम सीधे ही बुन लेंगे, 1 और 2। और रो 1 कंप्लीट हो चुका है। जब हम रिपीट करना स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत के 2 फंदे को छोड़ करके यहाँ से हमें यहाँ तक रिपीट करना होगा, यानी 5 फंदे उल्टे जहाँ तक बुना गया है वहीं तक हम रिपीट करेंगे। अब हम रॉन्ग साइड रो 2 में आ चुके हैं, और ये इम्पॉर्टेंट रो है, लेकिन इसके आगे जो भी रॉन्ग साइड रो आएगा उसमें हमें जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे ही हम बुनेंगे, लेकिन रो 2 को हमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा। शुरुआत के 6 फंदे को हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 उन पीछे की तरफ। 5 फंदे अब हम सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 उन आगे की तरफ। 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2 और 3 3 फंदे अब हम सीधे बुनेंगे, 1, 2 और 3 3 फंदे अब उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3 और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2 और 3 उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 1, 2 और 3 बीच के 15 फंदे में हमें इसी तरह से रिपीट करना होगा। 3 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अब हम 5 फंदे फिर सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3,
चार और पांच, ऊन आगे की तरफ और बचे हुए छह फंदे को हम उल्टे ही बुन लेंगे। एक दो तीन चार पांच और छह, और रो टू बुन करके कंप्लीट हो चुका है। अब हम राइट साइड रो थर्ड में आ चुके हैं। शुरुआत के दो फंदे को हम सीधे बुनेंगे, एक और दो, और उसके बाद सेकंड वाले फंदे को हम पीछे की तरफ से पहले सीधा बुन लेंगे, और अब हम फर्स्ट वाले फंदे को आगे की तरफ से सीधा बुनेंगे। उसके बाद सेकंड वाले फंदे को अब हम आगे की तरफ से सीधा बुनेंगे। उसके बाद फर्स्ट वाले फंदे को भी हम आगे की तरफ से ही सीधा बुन लेंगे। ऊन आगे की तरफ अब हम चार फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन और चार, ऊन पीछे की तरफ, और अब हम दो फंदे को एक साथ आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेंगे, और दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक और दो, ऊन आगे की तरफ तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो और तीन, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो और तीन, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो और तीन, उन पीछे की तरफ दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक और दो। उसके बाद दो फंदे को हम पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेंगे। ऊन आगे की तरफ चार फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन और चार, ऊन पीछे की तरफ सेकंड वाले फंदे को हम पीछे की तरफ से सीधा बुनेंगे। उसके बाद आगे की तरफ से पहले वाले फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। सेकंड वाले फंदे को अब हम आगे की तरफ से सीधा बुनेंगे। उसके बाद आगे की तरफ से पहले वाले फंदे को भी सीधा ही बुन लेंगे, और लास्ट बचे हुए इस दो फंदे को सीधा बनाते हुए हम रो थर्ड को बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं रो थर्ड बुन करके कंप्लीट हो चुका है। अब हम रॉन्ग साइड रो फोर में आ चुके हैं। रो फोर में जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे ही हम बुनेंगे। तो शुरुआत के छह फंदे को हम उल्टे बुन लेंगे, एक दो तीन चार पांच और छह, चार फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन और चार, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो और तीन, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो और तीन, तीन फंदे उल्टे, एक दो और तीन। इसी तरह से बुनना होगा, तीन फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे करते हुए हम बनाएंगे। तो अब हम तीन फंदे और सीधे बुनेंगे, दो और तीन, और अब हम तीन फंदे और उल्टे बुनेंगे, एक दो और तीन, चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार, और बचे हुए छह फंदे को हम उल्टे ही बुन लेंगे, एक दो तीन चार पांच और छह, और रो फोर बुन करके कंप्लीट हो चुका है। अब हम राइट साइड रो फाइव में आ चुके हैं। शुरुआत के दो फंदे को हम सीधा बुनेंगे, एक और दो, और अब आगे के चार फंदे में हम केवल वाला डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हमें इससे पहले बुने गए वही फोर रो को रिपीट करना होगा। तो सेकंड वाले फंदे को हम पहले सीधा बुनेंगे,
उसके बाद फर्स्ट वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, पीछे के तरफ से सेकंड वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, उसके बाद आगे के तरफ से सीधा बुनेंगे ऊन आगे के तरफ, और अब हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो और तीन, ऊन पीछे के तरफ, दो फंदे हम एक साथ आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेंगे, उसके बाद दो फंदे सीधे, एक दो, तीन फंदे उल्टे, एक दो और तीन, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो और तीन, तीन फंदे उल्टे, एक दो और तीन, दो फंदे अब हम सीधे बुनेंगे, एक और दो, उसके बाद नेक्स्ट दो फंदे को हम पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेंगे, और अब हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो और तीन। ध्यान रहे कि अब हम हमेशा हर एक सीधे साइड रो में एक एक फंदे साइड से घटाते जाएंगे, और ऊन पीछे के तरफ सेकंड वाले फंदे को हम पहले सीधा बुनेंगे, उसके बाद फर्स्ट वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, सेकंड वाले फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुनेंगे, उसके बाद फर्स्ट वाले फंदे को हम आगे की तरफ से सीधा बुन लेंगे, और बचे हुए लास्ट दो फंदे को सीधे ही बुन लेंगे, एक और दो, और रो फाइव कंप्लीट हो चुका है। अब हम रॉन्ग साइड रो सिक्स में आ चुके हैं। रो सिक्स या आगे के सभी रॉन्ग साइड रो में जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे ही हम बुनेंगे, तो इसमें हमें शुरुआत के छः फंदे को उल्टे बुनना होगा, उसके बाद तीन फंदे सीधे बुनेंगे, तीन फंदे उल्टे, तीन सीधे, तीन उल्टे, इसी तरह से हमें एंड तक रिपीट करना होगा, और लास्ट बचे हुए छः फंदे को हम उल्टे बनाते हुए रो सिक्स को बुन के कम्प्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड रो सिक्स बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो सेवन में आ चुके हैं। शुरुआत के दो फंदे को हम सीधा बुनेंगे, एक और दो, और अब हम सेकंड वाले फंदे को पीछे की तरफ सीधा बुनेंगे, एक, उसके बाद फर्स्ट वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, दो, सेकंड वाले फंदे को आगे की तरफ से अब हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद फर्स्ट वाले फंदे को भी हम आगे की तरफ से ही सीधा बुनेंगे, ऊन आगे की तरफ दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक और दो, ऊन पीछे की तरफ अब हम नेक्स्ट दो फंदे को सीधा बुनते हुए घटा लेंगे, ध्यान रहे कि हम आगे की तरफ से सीधा बुनेंगे, और दो फंदे और सीधे बुनेंगे, एक और दो, ऊन आगे की तरफ तीन फंदे उल्टे, एक दो और तीन, तीन फंदे सीधे, एक दो और तीन, तीन फंदे उल्टे, एक दो और तीन, उन पीछे की तरफ दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक और दो, और नेक्स्ट दो फंदे को हम पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेंगे, और अब हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक और दो, उन पीछे की तरफ सेकेंड वाले फंदे को पहले हम सीधा बुनेंगे पीछे की तरफ से, उसके बाद आगे की तरफ से फर्स्ट वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, और सेकेंड वाले फंदे को अब हम आगे की तरफ सीधा बुनेंगे, उसके बाद फर्स्ट वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, और दोनों फंदे को हम एक साथ नीचे की तरफ गिरा देंगे, और बचे हुए दो फंदे को हम सीधा ही बुन लेंगे, और रो सेवन कम्प्लीट हो चुका है। अब हम रॉन्ग साइड रो एट में आ चुके हैं। शुरुआत के छः फंदे को हम उल्टे बुनेंगे, उसके बाद दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, तीन सीधे, तीन उल्टे, तीन सीधे, तीन उल्टे, उसके बाद इस दो फंदे को हम सीधे बुनेंगे, और लास्ट बचे हुए छः फंदे को उल्टे बनाते हुए हम रो एट को बुन के कम्प्लीट कर लेंगे। रो एट बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो नाइन में आ चुके हैं। शुरुआत के दो फंदे को सीधे बुनेंगे, एक और दो, उसके बाद चार फंदे में हम केवल वाला डिज़ाइन बुनेंगे, एक और दो,
ऊन आगे की तरफ, अब हम एक फंदे उल्टे बुनेंगे। ऊन पीछे की तरफ, दो फंदे हम आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेंगे और दो फंदे और हम सीधे बुनेंगे। तीन फंदे उल्टे, एक, दो और तीन। तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो और तीन। तीन फंदे उल्टे, एक, दो और तीन। और दो फंदे अब हम सीधे बुनेंगे, एक और दो। और अगले दो फंदे को हम पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेंगे। ऊन आगे की तरफ एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन पीछे की तरफ सेकंड वाले फंदे को हम आगे की तरफ से सीधा बुनेंगे, उसके बाद फर्स्ट वाले फंदे को भी हम आगे की तरफ से सीधा बुनेंगे और दोनों फंदे को एक साथ हम नीचे की तरफ गिरा देंगे। और बचे हुए लास्ट के दो फंदे को हम सीधा ही बुन लेंगे। और रो 9 बुन करके कंप्लीट हो चुका है। और अब हम रॉन्ग साइड रो 10 में आ चुके हैं। रो 10 में हमें जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे बनाते हुए हम रॉन्ग साइड रो 10 को भी बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। और रो 10 बुन लेने के बाद अब हम राइट साइड रो 11 में आ चुके हैं। शुरुआत के दो फंदे को हम हमेशा की तरह सीधा बुनेंगे, उसके बाद सेकंड वाले फंदे को हम पीछे की तरफ से पहले सीधा बुनेंगे, उसके बाद फर्स्ट वाले फंदे को हम आगे की तरफ से सीधा बुनेंगे। अब हम सेकंड वाले फंदे को आगे की तरफ से सीधा बुनेंगे, उसके बाद फर्स्ट वाले फंदे को भी आगे की तरफ से ही सीधा बुनेंगे और दोनों फंदे को एक साथ हम नीचे की तरफ उतार देंगे। ऊन आगे की तरफ एक फंदे उल्टे बुनेंगे, ऊन पीछे की तरफ, और अब हम तीन फंदे को एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेंगे। तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो और तीन। और तीन फंदे हम फिर से पीछे की तरफ सीधा बुनते हुए घटा लेंगे। तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो और तीन। ऊन पीछे की तरफ तीन फंदे अगेन हम पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेंगे। ऊन आगे की तरफ एक फंदे उल्टे बुनेंगे और अब हम सेकंड वाले फंदे को पहले सीधा बुनेंगे, उसके बाद फर्स्ट वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पर भी करना होगा। सेकंड वाले फंदे को हम आगे की तरफ से सीधा बुनेंगे, उसके बाद फर्स्ट वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और लास्ट बचे दो फंदे को हम सीधे ही बुन लेंगे। और रो 11 बुन करके कंप्लीट हो चुका है। अब हम रॉन्ग साइड रो 12 में आ चुके हैं। शुरुआत के 6 फंदे को हम उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच और 6। उसके बाद अब हमें 11 फंदे को सीधे बुनना होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। और लास्ट बचे हुए 6 फंदे को हम उल्टे ही बुन लेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6। और रो 12 बुन करके कंप्लीट हो चुका है। और रो 12 बुन लेने के बाद ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। और इसे कंटिन्यू बनाने के लिए हमें फिर से रो 1 to 12 को रिपीट करना होगा और ये डिज़ाइन इसी तरह से आगे बनते जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।